दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो, चाहे आप गेमिंग चैनल को चला रहे हो या फिर कोई सा भी यूट्यूब चैनल चला रहे हो, तो कभी न कभी आपको अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड करने का जरूरत पड़ा होगा। तो उस टाइम आप कोई एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर ढूंढते हो जो कि आपको मिलता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जिससे अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप का स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी हाई क्वालिटी में। दोस्तों, पर्सनली मैं इसे यूज कर रहा हूं और मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। तो ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, इसको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे आपको यूज करना है, चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो को चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। चाहे अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर अपने कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है। पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है, यहां पर देखिए मैं आता हूं, अपना क्रोम ब्राउजर को पहले ओपन कर लेता हूं, तो आपको भी ओपन करना है, ठीक है। तो मैं ओपन कर लिया हूं। अब देखिए यहां पर आपको जाना सर्च बार में और यहां पर आपको टाइप करना है, यहां पर लिखना है फास्ट, यहां पर देखिए FAST फास्ट पीसी टूल। यहां पर देखिए आपको इसको फास्ट पीसी टूल लिखकर आपको सर्च कर देना है। अब जैसे फास्ट पीसी टूल लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर आपको मिलता है प्रोडक्ट का ऑप्शन। यहां पर देखिए आपको बहुत सारा इसका और भी प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि यहां देखिए फास्ट वीडियो मेकर, फास्ट वीडियो डाउनलोडर, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इन सबको भी यहां पर यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको चाहिए यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डर, तो यहां पर देखिए आपको नीचे यहां पर दिख रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर, और वहां पर भी दिखेगा प्रोडक्ट पर भी, ठीक है। यहां पर देखिए यहां पर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने आ चुका है यहां पर फास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, और इसको यहां से आपको डाउनलोड पर कर देना है क्लिक। अब जैसे डाउनलोड नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए पॉपअप आ जाएगा, यहां पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड हो जाने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं इसको फटाक से इंस्टॉल कर लेता हूं पहले, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने यहां पर इंस्टॉल कर लिया। यहां पर देख सकते हो फास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर यहां पर दिख रहा है, इस पर मैं डबल प्रेस करता हूं। अब देखिए यहां पर ओपन हो जाएगा। तो मेरे सामने इस प्रकार इंटरफेस खुल चुका है। यहां पर देखिए इसका सारा मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे आपको यूज करना है, और ये बिल्कुल हाई क्वालिटी में आपको मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके देगा। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, मैं आपको ऑप्शन बताता हूं, वीडियो रिकॉर्ड पर अगर आप यहां पर क्लिक करता है तो आपको फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, और यहां पर कस्टम भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपने हिसाब से यहां पर देखिए कस्टम पर अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको देखने को मिलता है, आप अपने हिसाब से रेगुलेशन यहां पर मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए आपको कितना में आपको मतलब रिकॉर्डिंग करना है, वो सारा चीज यहां पर देखने को मिलता है। आप यहां पर अपने खुद से मतलब इसको कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी दोस्तों, यहां पर देखिए आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है, यहां पर देखिए वेबकैम, अगर आप ऑन करना चाहते हो तो इस पर यहां पर प्रेस कर देंगे तो आपका वेबकैम यहां पर ऑन हो जाएगा, यहां पर देखिए आपका आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप यहां पर कर सकते हो। तो इसको मैं फिलहाल ऑफ कर लेता हूं। यहां पर देखिए स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, अगर मान लीजिए आप गेमिंग चैनल मैनेज कर रहे हो तो गेमिंग का जो आवाज निकलेगा आपके स्पीकर से, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसे ऑन कर सकते हो। यहां पर उसके बाद माइक्रोफोन को आप यहां पर ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कि आपका माइक का वॉइस को रिकॉर्ड करेगा यहां से, ठीक है। इसको आप यहां से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी दोस्तों, देखिए कई बार क्या होता है कि हम स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन करके भूल जाते हैं, 8 घंटा 10 घंटा तक भूल जाते हैं, तो आप यहां पर टाइमर सेट कर सकते हो। इसके द्वारा आप यहां से अपना टाइमर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों, यहां पर देखिए आपको मिलता है रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको स्पीकर और माइक्रोफोन वही ऑप्शन आपको मिल रहा है, सारा ऑप्शन जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए आपको यहां पर मिल रहा है स्क्रीन शॉट, तो स्क्रीन शॉट देखिए अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फुल अपना साइज को स्क्रीन शॉट ले सकेंगे, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, मतलब यहां पर देखिए विदाउट टास्क बार का स्क्रीनशॉट होगा, और यहाँ पर देखिए अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट विंडो का होगा, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन मिलता है, एक्टिव विंडो का ले सकते हो, और यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड, मतलब जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपका यहाँ पर स्क्रीनशॉट होगा, और इन सबका यहाँ पर शॉर्टकट भी दिया गया है, जो कि डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट इस प्रकार का ले सकते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको मिलता है, यहाँ पर देखिए मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो सेटिंग पर जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप चाहो तो कुछ शॉर्टकट को अपने खुद से डिजाइन कर सकते हो, मतलब कौन कौन सा बटन पर आप सेट करना चाहते हो उसे आप कर भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखिए रिज्यूम किससे करना चाहते हो, अपने स्क्रीन रिकॉर्ड को स्टॉप क्या चीज़ से करना चाहते हो, खुद से बटन को आप यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ से अपना कंट्री अपने हिसाब से लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी आपको रखना है, जो भी आपको लैंग्वेज रखना है आप यहाँ से अपना चूज कर सकते हो। तो ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ जो कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं करता हूँ क्लिक, ठीक है। अब इस पर जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपका स्क्रीन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर नंबर चलता है, उसके बाद स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फिलहाल यूट्यूब, ठीक है, मैंने सर्च कर दिया यूट्यूब। अब यहाँ पर देखिए मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। बाकी देखिए यहाँ से आप अपना स्टॉप कर सकते हो, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड होना जो है वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप रिज्यूम और स्टॉप कर सकते हो। मैं स्टॉप पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा,
और डायरेक्टली ओपन फोल्डर पर क्लिक करके आप उस वीडियोस को निकाल सकते हो या फिर प्ले वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर तो सारा स्क्रीन रिकॉर्ड जितना सारा मैंने किया हूँ यहाँ पर देखिए सारा शो हो रहा है। इसको आप चाहो तो यहाँ पर प्ले भी कर सकते हो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अगर डाउनलोड करना चाहते हो, अगर यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर से इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहाँ पर देखिए आप अगर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए बाय सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डर पर, तो आपको यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलता है 399 रुपया लग रहा है, जो कि एक साल के लिए तो कोई खास प्राइस नहीं है। यानी कि प्रतिदिन अगर आप एक स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हो तो आपको 1 रुपया के आसपास पड़ रहा है, तो कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। आप इसको जाकर डाउनलोड करके और बिल्कुल हाई क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और जाकर आप डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना।